सो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म निकल चुका है फैब 2023 DNS स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आप लोग इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एंड ग्रेट ईस्टर्न से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग जेम्स की वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन फर्स्ट वेबसाइट पे जाके यहाँ से क्रॉस कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे आने रहा था प्रोस्पेक्टस फॉर डेनिस फैब 2023 एंड नाउ इट्स अवेलेबल। तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या। तो हम लोग नीचे आएंगे, नीचे वहाँ पे वही PCM परसेंटेज बताया है 60% एंड मैक्सिमम एज शुड बी 25 ईयर्स एंड फैब में ग्रेट ईस्टर्न के पास 40 सीट्स होती हैं। एप्लीकेशन फीस है 750 रुपीज़ एंड आई साइट आपको 6x6 चाहिए विजन। एंड इसका एडमिशन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप लोग को इसका फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन कुछ दिन बाद ग्रेट ईस्टर्न आप लोग को एक ईमेल भेजता है जिसमें एग्ज़ाम का लिंक होता है। आप लोग को वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ता है उस लिंक के थ्रू एंड देन कुछ दिन बाद आप लोग को रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस बार ग्रेट ईस्टर्न ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। पहले ग्रेट ईस्टर्न साइकोमेट्रिक का जो रिज़ल्ट है वो उसमें पब्लिश नहीं करता था, बट अब से वो साइकोमेट्रिक के भी यू कैन से नंबरिंग देने लग गया है। तो साइकोमेट्रिक जब भी आप लोग अटेम्प्ट करें तो आप लोग का मेंटेलिटी एक ही होना चाहिए, आप लोग बदलो मत, ठीक है? अगर आप लोग बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लोग टीम पे बिलीव रखते हो देन टीम से बिलीव रहने वाले आंसर्स को ही सेलेक्ट करो, ठीक है? तो साइकोमेट्रिक की ये गेम होती है पास करने का एंड इसके बाद साइकोमेट्रिक के बाद रिज़ल्ट वगैरह आ जाता है एंड देन आप लोग को इंटरव्यू के लिए कुछ दिन बाद मेल किया जाता है ग्रेट ईस्टर्न से एंड देन इंटरव्यू आप लोग दे देते हैं एंड पास होने के बाद फाइनली आप लोग का मेडिकल होता है। आप लोग को ये सारी कम्युनिकेशन ग्रेट ईस्टर्न मेल के थ्रू कर देता है। एंड तो चलिए बात करते हैं, बहुत बच्चों का IMUCT में कोई रैंक नहीं आया है इस बार। तो DG ने अपनी वेबसाइट पे एक सर्कुलर रिलीज़ किया था, उसके थ्रू आप लोग फैब 2023 में अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए एंड अगर कंपनी चाहे तो आप लोग को बिना IMUCT रैंक के भी अपनी कंपनी में स्पॉन्सरशिप दे सकती है। बट IMU ने अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं किया है, तो क्या पता इन फ्यूचर IMU भी कंफर्म कर दे ये चीज़ एंड जितने भी रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं शायद वो ले लें आप लोग को विदाउट IMUCT के। एंड अगर आप लोग किसी भी लोकल कॉलेजेस में जाते हैं देन वहाँ पे आप लोग को IMUCT का रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? तो यार फर्जी कॉलेजेस में ना अप्लाई करो, अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई करो, जैसे कि अपना ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, सिम्स है, IMI नोएडा है एंड तुलानी में फैब बैच में DNS तो नहीं होता है एंड भी हैं एंड अपना है TS रहमान, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप लोग मेरे इस चैनल के कंटिन्यूस मेंबर हैं तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि कहाँ अप्लाई करने से बेनिफिट होता है। जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न में है तो ग्रेट ईस्टर्न का अपना कॉलेज है एंड अपना ही इसका कंपनी है, तो इसी कॉलेज में आप लोग प्रिसी कोर्स करते हैं एंड अपने शिप पे लोग ट्रेनिंग दे देते हैं। सेम लाइक एंग्लो ईस्टर्न एंड समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़। इसके अलावा जितने भी IMI हैं एंड TS रहमान है, अगर आप लोग इनमें अप्लाई करते हो तो अगर इनमें कंपनी आती है देन तभी आप लोग को कंपनी के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनके एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के लिए। तो TS रहमान में मोस्टली यही हो रहा है पिछले 3-4 साल से कि कोई कंपनी वगैरह नहीं आ रही है एंड अगर कोई कंपनी आती है तो वो लोग आप लोग को डेफिनेटली नोटिफाई करते हैं। IMI में ये सीन है कि अगर आप लोग के अच्छे PCM परसेंटेज हैं, लाइक ग्रेटर देन 80 एंड 85% हैं
एंड अगर आप लोग IMI का उनका अपना एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर लेते हैं, अगर आप लोग का उसमें इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, देन वो लोग आप लोग का डाटा आगे कंपनीज़ को फॉरवर्ड करते हैं एंड देन कंपनीज़ आप लोग का अपना एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू लेती है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर IMI के थ्रू अगर आप लोग को स्पॉन्सरशिप चाहिए। एंड तो चलिए बात करते हैं इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसका लास्ट डेट है अपना 10th of November 2022। 2022 10th of November से पहले पहले आप लोग ग्रेट ईस्टर्न में अप्लाई कर सकते हैं फॉर फैब बैच। एंड आप लोग ये सब FAQs रीड कर सकते हैं। एंड तो चलिए बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है ग्रेट ईस्टर्न में। सो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड देन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग को अगर DNS का फॉर्म फिल करना है देन DNS में जाएंगे। एंड ये सब आप लोग रीड कर लेंगे देन क्रॉस करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे जाएंगे। एंड यहाँ से आप लोग को अपना पहले फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन अपना एक फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। एंड देन इंस्ट्रक्शन में आप लोग अपना कोड सेलेक्ट करेंगे एंड जितने भी जिस फील्ड्स पे रेड स्टार लगा हुआ है ये आप लोग को कंपलसरी फिल करना। एंड जिन जिन फील्ड्स पे ये रेड स्टार नहीं लगा है आप लोग इन्हें लीव कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग अपना फिल कर लीजिएगा। एंड फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए अपना रैंक वगैरह लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो आप लोग इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग का रैंक है तो आप लोग रैंक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का अगर रैंक नहीं है तो आप लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड इंटरव्यू में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड देन अमाउंट में आप लोग को 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड देन सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल हो जाएगा एंड देन फाइनली ग्रेट ईस्टर्न आप लोग को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देगा। होप सो मैंने इस वीडियो में आप लोग का हर एक डाउट क्लियर किया हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट वगैरह है तो इस चैनल पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।